हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज है बहुत ही खास दिन, जो आज कुछ ऐसा प्लान करने वाला हूँ कि आज यहाँ पे ना एक वो खुला है मॉल, मतलब मॉल खुला नहीं है कि खुलने वाला है। तो आज जाएंगे मॉल जो मेरे घर के पास ही है, उसकी है ओपनिंग, तो उसकी ओपनिंग देखने चलेंगे आज। तो अभी कुछ शाम के बज चुके हैं 6, तो 6 बजे कुछ प्लान किया था कि आज जाऊँगा ओपनिंग देखने, क्योंकि शाम को ओपनिंग है उनकी, तो मतलब बहुत ही मज़ा आने वाला है और आपको भी मैं दिखाऊंगा। और वो है मेरे घर के पास ही कुछ 1-2 किलोमीटर की दूरी पे, तो बस पैदल चलेंगे और आराम से उनकी ओपनिंग देख के आएंगे। अगर वो जो भी उनका होगा, कुछ एग्जीबिशन वगैरह लग रखी है ओपनिंग, मतलब ओपनिंग काइंड ऑफ एग्जीबिशन ही है, तो जाके देखेंगे क्या है नया मॉल खुला है। प्लस वो मॉल ऐसा है कि मॉल के बीच में होटल भी है, तो मॉल प्लस होटल है, तो काफ़ी अच्छा है वो। यहाँ पे 67 सेक्टर मोहाली में खुला है नया, उसका नाम है CP67। चलो मैं चलता हूँ और आपको भी साथ में लेके चलूँगा आज, चलो चलें। तो हम निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि एयरपोर्ट तो चलो आगे काफ़ी है, 11 से 11 किलोमीटर दिखा रहा है ये, देखो 11 किलोमीटर, बट जो मेरे घर से जो वो नया मॉल खुला है वो 2-2.5 किलोमीटर ही है, 2 किलोमीटर होगा हार्डली। तो बस अभी वहीं चलते हैं, और ये तो चलो आपको दिखा दिया बीच में बोर्ड आया एयरपोर्ट का, ये देखो भाई बड़ी सी बिल्डिंग, होमलैंड के बाहर पहुंच चुके हैं हम, ये देखो होमलैंड की बिल्डिंग ही बिल्डिंग है पूरी, लग रही है सही भाई। ग्रीनरी भी इन्होंने बहुत सारी कर ली है, और आपको एक बात बताऊं, जो ये होमलैंड है ना, यहाँ बड़े से बड़े सारे स्टार ही रहते हैं, जितने भी स्टार है ना अपने, जो पंजाबी स्टार्स हैं जो फिल्मों में आते हैं सिंगर्स, सब वो यहीं रहते हैं इसी सोसाइटी में सब। ये आप देख सकते हो ना होमलैंड का बोर्ड भी लगा, वो देखो आए हाय इतना जोर से हॉर्न। तो जितने भी स्टार्स हैं ना, मैं जो बता रहा हूँ आपको, वो सब यहीं रहते हैं, सब सबके फ्लैट है यहाँ पे। चलो हमें तो अभी आगे जाना है, तो हम चलते हैं आगे को। ये देखो ये मेरे घर के पास जंगल भी है, देख रहे हो, जंगली जंगल, जंगली जंगल। तो ये मेरे घर के पास छोटा सा जंगल है, आने वाले टाइम पे पता नहीं यहाँ भी कुछ बना दे सरकार, बट ये छोटा सा जंगल है जो आगे आप देख रहे हो ना, पूरा जंगल ही जंगल आगे तक। बट एक या ये बात है, यहाँ पे कोई जानवर नहीं होते, बट हाँ हो भी सकते हैं छोटे मोटे, बट हाँ कोई जंगली जानवर नहीं है, तो ये काफ़ी सारी ग्रीन एरिया है पता है। मतलब दो फायदे हैं यार, मतलब पैदल आने के ना, एक तो वॉक हो जाती है और ऊपर से मतलब आपको पॉजिटिव वाइब्स भी आती है, आप हमेशा गाड़ी में घूमते रहो या 2-व्हीलर पे घूमते रहो, तो कई बार नहीं भी मन करता जाने के लिए, है ना। तो आज था मन कि चलो जो नया मॉल खुल रहा है वो है भी घर के पास, और ऊपर से हम पैदल चलते हैं, जो कि शाम की सैर भी हो जाएगी, इवनिंग वॉक, और साथ में मज़ा भी आएगा और साथ में अपना ब्लॉग भी अच्छा बन जाएगा। अगर ये मैं गाड़ी पर जाता तो आपसे बातें भी ना कर पाता अच्छे से, तो क्या होता कि सीधा मतलब पहुँचता और वहीं आपको दिखा पाता। अब ये है कि यहाँ पे हम बातचीत भी कर रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है और मेरी सैर भी हो रही है। तो आज आप वैसे सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ आज अकेला कैसे जा रहा हूँ, तो हाँ यार मतलब ऐसा है कि हर बार ही किसी को बुलाया भी नहीं जाता, क्योंकि हर एक बंदा अपनी अपनी लाइफ में बिजी होता है, कभी कोई आता है कभी कोई नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई नहीं आ रहा तो आप उसके कारण आप भी अपना मन मार लो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। अगर कोई आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप अकेले चले जाओ, अकेले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आज मेरा मन था कि मेरे को न्यू मॉल देखना है, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा किसी ना किसी के साथ जाना ही होता है, अगर आपका मन है अकेले जाने के लिए आप अकेले निकल जाओ, अकेले आए हो दुनिया में अकेले जाओगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इन्जॉय करते रहो और मज़े करते रहो, अकेले घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, अकेले में भी बहुत मिल जाती है। बस अभी कुछ ही दूरी में है, मतलब 500-600 मीटर में रह गया मॉल आने वाला, फिर आपको मॉल दिखाते हैं। तो भाई ये है अपना नया मॉल, तो यहाँ बेसिकली PVR भी आ रहा है, तो ये जिन्होंने बनाया यूनिटी ग्रुप और होमलैंड वालों ने मिलके, ये ग्रुप है जो बेसिकली मोहाली में प्रोजेक्ट्स करते हैं, और ये सब देखो आप देख लो गाड़ियाँ वगैरह आ गई हैं, तो अभी रश होने वाला है क्योंकि यहाँ शाम को मतलब अभी ओपनिंग हुई है इसकी, तो अभी हम अंदर जाके देखते हैं भी क्या क्या आया है मॉल में, तो आपको भी लेके चलते हैं साथ में, तो
बहुत ही मजा आने वाला है। और ये देखो ऊपर ये फ्लैग्स तो नहीं है बट कुछ तो है जो कि अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। अभी ये मैं आपको बताऊँ ना फुली वर्किंग नहीं है ये वाला मॉल, अभी कुछ इसकी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, पर चलो स्टिल भी आपको एक बार दिखा देते हैं। अभी नया खुला है मॉल तो एक बार अंदर जा ही आते हैं हम, ठीक है। तो ये मैं आपको बता भी दूंगा लोकेशन कहाँ पड़ता है प्रॉपर। चलो अभी अंदर चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। तो ये है भाई इसकी मेन एंट्री, तो यहाँ से करते हैं एंटर हम अभी। तो ये मोहाली का काफ़ी अच्छा एक मॉल बन रहा है। तो ये है बेसिकली आप देख सकते हो लाइफस्टाइल एग्जीबिशन 3rd से 4th June। तो आज है 4 June, तो अभी हम अंदर चलते हैं। ये देखो ये लग रखी है पूरी एग्जीबिशन, अभी पूरा मॉल स्टार्ट नहीं हुआ बट आप रश देख सकते हो कितना ज़्यादा रश है। तो आप सोच सकते हो कि अगर अभी मॉल स्टार्ट नहीं हुआ तो इतना रश है, तो अगर मॉल शुरू हो जाएगा तो कितना रश हो जाएगा। तो ये एग्जीबिशन लग रखी है कपड़ों की थोड़ी बहुत जो भी है, तो हम भी देखते हैं। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रश हो चुका है। तो अभी ये आप देखो अभी ओपन नहीं हुआ तो इतना रश है, देख लो आप, आपको वही बता रहा हूँ बार बार। आगे खाने पीने का स्टॉल भी है, आपको वो भी दिखाते हैं भाई साहब। ये देखो आपको बेकरी वगैरह का सब कुछ यहाँ सामान मिल रहा है, केक वगैरह बिस्किट नमकीन सब कुछ लग चुका है यहाँ पे। तो और भी आगे स्टॉल्स हैं, आप वो भी देख सकते हो। और ये देखो अभी आपको लेके चलते हैं कुछ मेकअप का सामान। बेसिकली मैंने देख रहा हूँ ना जो गर्ल्स का ज़्यादा सामान है, ये आप देख सकते हो गर्ल्स के लिए ज़्यादा सामान है। ऊपर की लाइटिंग देखो, लाइटिंग बहुत सुंदर हो रखी है। तो ये लोग मतलब आगे काफ़ी तक आगे तक स्टॉल्स लग रखे हैं अलग अलग तरह के, कुछ कपड़ों के हैं, कुछ खाने पीने के हैं, कुछ घर के सामान के लिए हैं, तो काफ़ी सारे लग रखे हैं स्टॉल्स। तो मतलब काफ़ी एक ये भी एंट्री है एक और, यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं हम, बट मैंने मेन एंट्री से किया, जो मेन एंट्री है मैंने वहीं से एंटर किया। ये देखो फ्लावर्स भी लग रखे हैं, मतलब काफ़ी कुछ है जो स्टॉल्स लग रखे हैं। तो भी सारे स्टॉल्स क्या ही देखेंगे बट हाँ ऐसे एक चक्कर लगा लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखो ये क्या मिल रहा है, बादामों का तेल वगैरह है और कोकोनट भी ऑयल है। तो लोग पूछ रहे हैं ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, नई नई चीज़ें दिखा रहे हैं, कुछ कुछ है नया नया सामान। ये देखो हंसाली ऑर्गेनिक सामान भी है कुछ ना कुछ, ऑर्गेनिक फार्म में जो ऑर्गेनिकली चीज़ बन रखी है। होप करता हूँ आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, तो होप करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही होगी। तो गाइस अभी चलते हैं हम बाहर, तो मतलब काफ़ी मतलब देख लिया अंदर सारा कुछ, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हो, बट अभी चलते हैं बाहर, अंदर काफ़ी अच्छा है, खा पी भी लिया, बहुत इंजॉय किया। अभी ऑलमोस्ट लग रखे हैं मतलब मैं कहूँ तो 40-50 स्टॉल्स, तो सब पे कुछ ना कुछ है, तो मोस्टली बस लड़कियों के लिए है। तो अभी हम चलते हैं बाहर और बाहर का देखते हैं व्यू। चलो चलते हैं बाहर। भाई साहब वो लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही है यार, आप देख रहे हो ऊपर, ये देखो लाइटिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, अच्छी कर रखी है लाइटिंग वो। तो ये मॉल मतलब काफ़ी अच्छा बना है, आप ये देख भी सकते हो। तो इसमें एक खासियत है कि यहाँ आपको मतलब ऑफिस स्पेस प्लस होटल प्लस शॉपिंग मॉल, ये आपको तीन चीज़ें इकट्ठी मिल सकती हैं, मतलब शॉपिंग भी कर सकते हो, ऑफिस स्पेस भी ले सकते हो और साथ में आप यहाँ पे होटल भी बुक कर सकते हो, तो सारा कुछ यहीं पे है। तो मतलब ये हमारे घर के पास एक प्रीमियम लोकेशन में एयरपोर्ट रोड पे ये मॉल बना है। तो ये आप देख सकते हो सामने है एयरपोर्ट रोड, मैंने आपको पहले दिखाई भी था कि बोर्ड लगा हुआ है 11 किलोमीटर का, तो बस 2 किलोमीटर ही में आ गया हूँ, 2-2.5 किलोमीटर। तो ये है हमारी मोहाली की मेन रोड एयरपोर्ट रोड। तो मैं यहाँ से मतलब आप देखोगे ना तो ये 67 सेक्टर मोहाली में बिल्कुल ब्रियू स्टेट के पास सामने, ये देखो ये सामने ब्रियू स्टेट है, उसके सामने ही ये पूरा मॉल बना है और इसको कंस्ट्रक्शन होते भी कुछ 4-5 साल हो चुके थे, तो काफ़ी टाइम लगा इसको कंस्ट्रक्ट होते भी। अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ, आपको मैं एक बार फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखो
अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, बट हाँ कुछ बन गया है नीचे नीचे, तो उन्होंने इसलिए थोड़ी सी एग्जीबिशन स्टॉल्स वगैरह लगवाए हैं, तो आप देख सकते हो। तो चलो एक अच्छी बात है कि हमारे घर के पास एक मॉल बन गया। यहाँ पूरा पहले मतलब ओपन एरिया होता था, झाड़ियाँ ही होती थी, पूरा पेड़ ही पेड़ थे, तो इन्होंने वो हटा के पूरा एक प्रॉपर इन्होंने मॉल बना दिया, जो कि बहुत अच्छा बना है मॉल। तो चलो अगर कुछ भी हमें शॉपिंग वगैरह करनी हो, घर के पास आना हो, तो हम अपने घर के पास आके शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हो जो लोग अंदर आ रखे हैं उनकी ये पार्किंग है, बट ये एक्चुअल पार्किंग नहीं है, ये अभी सिर्फ इन्होंने टेम्परेरी बेस पे पार्किंग लगा रखी है। पार्किंग इनके अंदर होगी बेसमेंट में प्रॉपर तरीके से। ये तो अभी सिर्फ स्टॉल्स के लिए दो दिन का वो था एग्जीबिशन, ओपनिंग करनी थी इन्होंने, तो उसके लिए गाड़ियां सिर्फ अभी यहाँ लग रखी हैं टेम्परेरी बेस पे बाहर, अदरवाइज ये सब गाड़ियां अंदर रखेंगी। अगर यहाँ लग गई तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि हाँ कि जाम ही लग जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। चलो अभी थोड़ा सा बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं और फिर चलते हैं हम घर। चलो गाइस अभी चलता हूँ घर, और बीच में मतलब गुरुद्वारे भी मत्था टेक के चलूँगा, बहुत दिनों के गुरुद्वारे भी नहीं गया, और गुरुद्वारे भी जाके आएंगे आज, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ मिलते हैं अच्छे व्लॉग में नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय 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 बाय।